ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है हम लोगों के लिए। पहले भी ऐसा होता था, लास्ट विंटर भी था, उसमें भी स्नोफॉल, मुझे लगता है इस बार से ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई थी लास्ट विंटर में। बट बहुत अनफॉर्चुनेटली इस बार जो एक हफ्ते से ज़्यादा रोड बंद रही, अभी भी एक हफ्ते से बंद है, लोग धर्मांधा हैं। साधना की उस साइड भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास, सभी लोगों को अपने घर नहीं हैं। एक गलत कॉन्सेप्ट है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को या यहाँ के ऑफिसर्स को कि करना के जितने भी लोग हैं सभी के पास वहाँ घर हैं, डेरे हैं रहने के लिए। सभी के पास एकोमोडेशन नहीं है। 30% या 40% लोग हैं जो एफोर्ड कर सकते हैं, बट जो रेशियो है 60% लोग जो के गरीब हैं, गरीबतर लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उनके पास एकोमोडेशन नहीं है। वो काफ़ी सफ़र करते हैं इस चीज़ को लेके। और रोड कनेक्टिविटी की बात भी रही, जहाँ तक एक हफ्ता, 10 दिन 12 दिन ऐसे रोड बंद रहती है, उससे क्या होता है, एक बेसिक जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड जो होती है लोगों की, वो भी कल शब महराज है, हमारे पास सब्ज़ियाँ नहीं हैं, हमारे पास बाकी चिकन नहीं है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो नहीं हैं। इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। जहाँ तक रही कि पेशेंट्स हैं, काफ़ी दिनों से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सीरियस हैं, एडमिट हैं, आज कुछ को एयरलिफ्ट किया गया, 3 पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली बाकी जो पेशेंट्स हैं वो अभी भी अंदर हैं, 1-2 की सर्जरी हो रही है अंदर। ये बहुत ही दुखद भरी सिचुएशन है अभी यहाँ की, करना की। और कल मौसम ठीक था, अगर कल मौसम ठीक था, पूरा दिन ठीक रहा, जब मौसम ठीक रहा तो तब क्यों नहीं एयरलिफ्ट किया गया पेशेंट्स को? तब जो बच्चे थे जिनको एग्ज़ाम देना था, उनको एग्ज़ाम, जिनके एग्ज़ाम्स थे, उनको क्यों नहीं लिया गया? करनी चाहिए थी। आज जैसे ही मौसम ख़राब हुआ, एक बार चौपर आया तो 1-2-3 पेशेंट्स को लेके चला गया, बाकी लोग अभी भी अंदर है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं कुछ बच्चों को देने, 6 को, तो मोस्टली क्या होता है, जो बच्चे इस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं वो मोस्टली पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे होते हैं। बहुत ही मेहनत मुशक्क़त करके वो एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं, फिर काफ़ी टाइम बाद उसका नोटिफिकेशन आती है, फिर वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होके जब जाने की तैयारी करते हैं तो हमें साधना की वजह से ये सब हाल उनको देखना पड़ता है। हमेशा ऐसा होता है हम लोगों के लिए। या तो एग्ज़ामिनेशन के सेंटर यहाँ रख दो बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही अहम चीज़ है, यहाँ भी उनके एग्ज़ाम्स लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ एग्ज़ामिनेशन के सेंटर नहीं रखते हैं तो रोड कनेक्टिविटी पे गौर व फिक्र करनी पड़ेगी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। इस समय टंगडार SDH हॉस्पिटल के सामने हूँ। मैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि करना के साथ हमेशा जो है विंटर में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है करनाइयों को। मैं यहाँ पे पेशेंट चापर आया और 3 पेशेंट लिफ्ट किए और 5-6 पेशेंट अभी भी अंदर हैं, तो इससे हमारा वो नहीं हो सकता। चॉपर यहाँ तो कंटिन्यू चले तो तब जो जाके पेशेंटों का इलाज सही टाइम से होगा। दूसरा, 8 दिन से रोड बंद है, बर्फ़ पहले भी पड़ती थी, 10-10, 15-15 फुट बर्फ़, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 6-7 फुट बर्फ़ होती थी और मैं भी 50 साल का हो गया, लेकिन इतने दिन कभी रोड बंद नहीं हुआ करती थी। पहले लोगों को ये पता था बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, विंटर स्टॉक लोग करते थे, अपनी हर चीज़ जो है रखते थे, लेकिन अभी कई सालों से रोड की कनेक्टिविटी जो है लगातार चल रही है और लोगों ने ये चीज़ें छोड़ दी। और अभी घर में मतलब किसी के पास सब्ज़ी नहीं है, आज की हालत यह है कि कल बड़ा दिन है, यहाँ पे चिकन नहीं है, मटन नहीं है, और जितने भी पुरानी दालों में, मेरे को लगता है 2 साल की दालें जो दुकानदारों के पास थी वो भी ख़त्म हो गई, तो बुरा हाल है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ लोग चौकी बल में फंसे हुए हैं और SSB के एग्ज़ाम थे, यहाँ पे लड़के जो है एग्ज़ाम के लिए जाना था तो उनका भी बहुत मुश्किल हुआ। तो यहाँ पे या तो उनका एग्ज़ाम यहीं पे कर देना चाहिए था कि एक तो वैसे ही हम लोग बॉर्डर एरिए के लोग हैं, हमें उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाती गवर्नमेंट, तो अगर उनका यहीं पे पेपर हो जाए ताकि उन बच्चों को जो है कहीं नौकरियाँ मिल जाएँ या कोई सिलेक्शन हो जाए बच्चा, तो 3 साल से वैसे नौकरियाँ नहीं हैं, दरबदर हो रहे हैं बच्चे, तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है। पहले भी बर्फ़ पड़ती थी लेकिन इतना जुल्म नहीं हुआ था। तो मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी, चाहे डे नाइट लगा के रोड को रेस्टोर किया जाए ताकि